मैट्रिक स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर अभी अभी न्यू सूचना जारी कर दिया गया है बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से। अभी अभी नया फैसला लिया गया है। जी हाँ, इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। आज की इस वीडियो ये बहुत ही कमाल होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लीजिए। यदि अगर आप इस वीडियो को लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो तो डोंट वरी, गूगल ओपन कर लो और सर्च बॉक्स में टाइप कर दो बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 का रिजल्ट जब जारी हुआ था तो सबसे पहले हमारे इस चैनल ने वीडियो प्रोवाइड कराया था, ठीक है। और मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा तो सबसे पहले हमारे इस चैनल ने वीडियो प्रोवाइड कराएगी और आपको चेक करके लाइव प्रूफ दिखाएगी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको जान लेते हैं पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि यहां पर बिहार बोर्ड मैट्रिक स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार है और लाखों स्टूडेंट्स इंतजार कर भी रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखिए, इंटर यहां पर देखिए, मैट्रिक और इंटर के जो भी छात्र हैं, यहां पर जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां पर सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और चैनल पर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स का दो सवाल है। पहला सवाल कि सर मेरा रिजल्ट कब और कितने तारीख को आएगा। दूसरा सवाल कि सर मेरा मार्कशीट कब और कब मार्कशीट कब तक, मतलब कि स्कूल कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों सवाल है, पर मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका कॉपी जो है जांच पूरा लगभग कर लिया गया है, सिर्फ 10% जो है बाकी है कॉपी जांच करने में, ठीक है। कॉपी जांच करने में मात्र 10% बाकी है, क्योंकि दोबारा जिस, मान लीजिए जिस विषय के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिस विषय में लगता है आपको कि मेरे को नंबर कम मिला है, आप उस विषय को दोबारा से निकाल कर रीचेकिंग किया जाता है, यानी दोबारा से चेक किया जाता है। अब दोबारा चेक करने के बाद लाखों स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं, एक दो नहीं, लाखों स्टूडेंट्स जो है आवेदन करते हैं स्क्रूटनी के लिए। अब यहां पर जो है आप लोगों को बता दूं कि 10% जो है मात्र 2 दिन के अंदर में कॉपियों को पूरी तरह से जांच कर लिया जाएगा, 2 दिन के अंदर में। यानी आप लोगों को बता दूं कि मंगलवार, जी हाँ दोस्तों, कल, आज और कल पूरी तरह से जारी कर लिया जाएगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 27 अप्रैल को जो है आप लोगों का रिजल्ट पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर यहाँ पर मुझको बताइए कि मेरे को 2 नंबर चाहिए तो क्या 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर 4 नंबर चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 10 नंबर तक मुझको चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे सवाल है स्टूडेंट्स के मन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका नंबर किसी भी प्रकार से घटा होगा, किसी भी प्रकार से आपके नंबर कॉपी चेक करने में गड़बड़ हुई होगी और कम दिया होगा, तो बिहार बोर्ड दोबारा उसको निकाल कर जाँच करेगी। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो दोबारा से जाँच कर आपको नंबर, 4 नंबर अगर आपका घटा होगा तो आपको 2 नंबर की आवश्यकता है तो भी आपको 4 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर आपका 7 नंबर, अगर मान लीजिए आपका मिसमैच हुआ होगा और 7 नंबर बिहार बोर्ड की तरफ से कम हुआ होगा तो आपको बिहार बोर्ड की तरफ से 7 नंबर पूरा दिया जाएगा। अगर आपको 2 नंबर की ज़रूरत है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 7 नंबर पूरे दिए जाएंगे। इस तरह मतलब कि ये रूल्स है, नियम है, आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। वीडियो को अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। बात जहाँ तक रहेगी मार्कशीट को लेकर, तो मार्कशीट के लेकर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि मार्कशीट जो है अभी नहीं मिलेगा, कम से कम 4 दिन 5 दिन अभी आपको इंतजार करना होगा, 4 से 5 दिन, ठीक है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि 4-5 जोड़कर 9 दिन जोड़ लो इसको, नहीं, 9 दिन नहीं, सिर्फ 4 से 5 दिन, ठीक है। 5 दिन आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को मार्कशीट जो है आपके स्कूल कॉलेज में मिलना शुरू हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। तो ये वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाओ। आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले मिलता है। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।